नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाऊंगी एकदम खस्ता होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। इसे हम एकदम अलग तरीके से बनाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर जरूर करिए। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी गुजिया की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो गुजिया में भरने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ले लिए हम हाफ कटोरी काजू, हाफ कटोरी बादाम और हाफ कटोरी छुआड़े को हम बारीक काट लिए हैं। और यहाँ पे ले लिए है नारियल, कद्दूकस कर लिए है कटोरी नारियल को। चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे चढ़ा रखे कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच घी। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, पर घी से गुजिया में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो घी को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे काजू और बादाम को, और इसको हम मीडियम फ्लेम पर धीमी धीमी आँच पर इसको भूनेंगे। काजू बादाम का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए, बस इतना ही भूनना है। और ये देखिए, इसको हम हल्का हल्का भून लिए हैं, अब इसको निकाल देंगे। जो कद्दू कस करके नारियल रखे थे उसको भी हम इस तरीके से हल्का हल्का भून लेंगे। तो देखिए, हल्का हल्का भून लिए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है दोस्तों, क्योंकि भूनने के बाद भी इसका कलर आता है। उसी कढ़ाई में हम डाल दिए हैं 1 चम्मच और घी। घी गर्म हो गया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप सूजी। और सूजी को हम धीमी धीमी आंच पे चलाते हुए भूनेंगे। तो इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे, नहीं तो क्या होगा कि सूजी जल्दी से जल जाएगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आप धीमी धीमी आंच पे इसको भूनिए। तो कलर आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है दोस्तों। बस इसी समय पर इसको नीचे उतार देंगे, एक बर्तन में निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर ले लिए हैं मावा, तो 1/2 kg मावा लिए हैं। इसको हम रात को ही बना के रख लिए थे दोस्तों। इसको हम कढ़ाई में डाल के गरम कर लेंगे, पिघला लेंगे इसको। तो देखिए, इस तरीके से इसको चलाते हुए हम पिघला लेंगे। तो हो सके तो आप घर का मावा ही बना के यूज करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। अब ये देखिए, मावा जो है पिघल गया है। अब सूजी के अंदर हम इसको डाल दिए हैं। अब यहाँ पे डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए थे, उसको बारीक काट के ले लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम बारीक चॉप कर लिए हैं। अब यहाँ पे डालेंगे छुआड़े, इसको भी हम बारीक काट लिए हैं। और यहाँ पे नारियल को जो हम भून के रखे थे उसको भी इसके अंदर डाल लिए हैं। और यहाँ पे डालेंगे पिसी हुई चीनी, तो 1 कटोरी पिसी हुई चीनी लिए हैं, इसको इसके अंदर डाल देंगे। और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, नहीं तो क्या करें आप मिक्सर जार में चीनी को भी पीस के ले सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। चीनी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मावा का यूज़ किए हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा चीनी नहीं डाले हैं दोस्तों। स्टफिंग बन के तैयार है, अब इसको एक बाउल में रख देंगे। अब चलते हैं गुजिया के लिए मैदा तैयार कर लेते हैं। 3 कप मैदा ले लिए हैं, और मोइन के लिए यहाँ पर हम डालेंगे घी। तो घी को हम अच्छी तरीके से पिघला लिए हैं। तो 3 से 4 चम्मच हम घी ले लिए हैं। तो अगर कम लगेगा तो इसके अंदर हम और घी डाल देंगे। तो पहले इसको अच्छी तरीके से हाथ से मसलते हुए मिलाएंगे, ताकि मैदे के रेशे रेशे में घी जो है चला जाए। तो अगर कम लगेगा तो इसके अंदर हम और घी डाल देंगे। और इस तरीके से मुट्ठी बंद करके देखेंगे, अगर मुट्ठी बंद रही है तो समझिए कि मोइन जो है अच्छी तरीके से परफेक्ट मिल गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल के हम मैदे को अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। बस इस तरीके से हम थोड़े थोड़े पानी डाल के इसको अच्छा सा गूंद के तैयार करेंगे। ज़्यादा नरम नहीं लगाना है दोस्तों, और ज़्यादा टाइट नहीं। तो देखिए, हम मैदे को गूंद के तैयार कर दिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से ऑयल लगा दिए हैं, और इसको हम कोई गीला सा कपड़ा ले लें या कोई रुमाल ले लें, इस तरीके से उसको ढक देंगे।
तो ये देखिए 10 मिनट हो गया है। अब चलते हैं, छोटे छोटे इसका पेड़ा काट लेंगे। आप चाहे तो पूरे चकले का एक रोटी बना के और उसको कोई भी बड़ा सा गिलास ले उससे कट कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरीके से बेल के बनाऊंगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बेल के तैयार कर लिए। हम यहाँ पे ले लिए एक मोल्ड यानी कि गुजिया का साँचा ले लिए हैं और इसके अंदर हम 1.5 चम्मच स्टफिंग को डाल देंगे, ज़्यादा ओवर नहीं भरेंगे। और इसके साइड साइड में इस तरीके से पानी लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब गुजिया को तेल में डालेंगे तो फटेगी नहीं गुजिया। और इसको हल्का सा हाथ से इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिए कहीं से भी गुजिया फटी नहीं है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर स्टफिंग भी भरे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कहीं से भी ये गुजिया जो है फटी नहीं है। तो सेम तरीके से हम सारे गुजिये को बना के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कहीं से भी गुजिया जो है फटी नहीं है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर चढ़ा रखे तेल, तेल को थोड़ा सा आटा डाल के चेक करेंगे तो तेल गर्म हो गया है। तो जब भी गुजिया डाले तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर ले दोस्तों। अगर आप फुल आंच पे पकाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो गुजिया जल्दी से लाल हो जाएगी पर अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे और बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगी गुजिया। तो आज की गुजिया बहुत ही टेस्टी बनने वाली है दोस्तों, तो इसको धीमी धीमी आँच पर पकाइए आप। तो देखिए एक बैच का गुजिया हम निकाल लिए हैं। सेम तरीके से दूसरे बैच का गुजिया भी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो आप कलर देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, ये देखिए। तो ये देखिए सारे गुजिये को हम बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बनाना बहुत ईजी है दोस्तों। तोड़ के दिखा रही हूँ आपको अंदर का स्टफिंग। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट भरा हुआ है अंदर से, एकदम खस्ता बना है दोस्तों ऊपर से। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो मेरे तरीके से एक बार गुजिया आप ज़रूर से बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस होली पे गुजिया बनाना तो बनता ही है, तो एक बार इस तरीके से गुजिया ज़रूर से बनाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करिए। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और कैसा बना है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू।